अच्छा ये जनाब, अगर लहसुन के बीच में फासला कम है तो इस तरह की एक चीज़ बना के आप उसको आसानी से गोडी कर सकते हैं, और इससे ज़मीन भी नरम हो जाएगी, जो जड़ी बूटी को बीच में है वो भी उखड़ जाएगी, और आपकी जो फसल है वो भी ख़राब नहीं होगी। ये एक बेहतरीन चीज़ है, बजाय इससे कि आप दराती के साथ खपते फिरें या और कोई इस तरह की चीज़ करें, तो ये एक ऐसी चीज़ है खड़े जो खड़े कम खड़े फासले खड़े। वाले लहसुन को भी अच्छी तरह से गोड़ी दे सकती है, और इसमें थकावट का भी एहसास नहीं होता, छोटा बच्चा भी इसको आसानी से कर सकता है, खड़े खड़े आप आराम से जहाँ पे भी जिस तरह से चाहे वो गोड़ी कर सकते हैं। पैदावार भी इसकी बता के इतनी औसतन पैदावार जो है ना वो हो गया है, कितनी हो जाता है बताना। एक मरले में कम से कम बेश 2 मन लहसुन, 2.5 मन लहसुन है एक मरले के अंदर, 2-2.5 मन लहसुन है वो फिर लाया भी और साथ उसकी बिजाई का कैसे ला रखे ना साथ तेरे वाले में हो सके यार। पिछले साल मेरा मरला भी नहीं था वो साथ, पर मेरा 2 मन से ऊपर लहसुन आया। लहसुन वजन भी बहुत हो रहा है, पत्ते तोड़ गए नहीं, नीचे पोथी पोथी तोड़ गए गिल्ला।